हेलो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में टेम्परेचर स्ट्रेसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कंपोजिट बार से। देखिए, अगर हमें कंपोजिट बार में केस कहता है कि दो अनयील्डेड वॉल या दो फिक्स सपोर्ट के बीच है, तो अनयील्डेड वॉल या दो फिक्स सपोर्ट के बीच है, तब ये बिल्कुल सिमिलर होगा जैसा कि हमने यूनिफॉर्म बार फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमने कहा था टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मटेरियल या मेटल इंक्रीज होना चाहता है बट सपोर्ट उसे इंक्रीज होने नहीं देगा, तो वो उसे कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, तो नेचर ऑफ स्ट्रेस आएगा कंप्रेसिव। तो हम यहां कहेंगे कंप्रेशन इन बोथ, वन एंड टू बोथ। वहीं अगर मैं बात करूं, ये बढ़ना चाह रहा था इस तरीके से, ठीक है, और सपोर्ट ऐसे बांधे रखा। वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड की, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ऐसे केस में मेटल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, सिकुड़ना चाहेगा, लेकिन सपोर्ट उसे क्या करेगा, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने केस में टेंसाइल फोर्स, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमें कह दे कि कंपोजिट बार है बट तो अनयील्डेड वॉल या दो फिक्स सपोर्ट के बीच है, तब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तब आपके पास आ जाएगा कंप्रेशन इन बोथ, और अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस इन बोथ। ठीक है, सेकंड केस अगर मैं बात करूं कि ये आपस में एक दूसरे पर एंड से रुके हुए हैं, अगर ये आपस में एंड्स पर एक दूसरे से रुके हुए हैं कुछ इस तरह, ये आपस में एक दूसरे से एंड्स पर बंधे हुए हैं, मटेरियल वन मटेरियल टू, मटेरियल वन मटेरियल टू, अल्फा वन लार्जर है अल्फा टू से, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, अल्फा वन लार्जर है अल्फा टू से। अब हमें कहता है टेम्परेचर इंक्रीज हो या हमें कह दे हीटेड, या हमें कह दे हीटेड, या कह दे टेम्परेचर राइजेज, ये सब केसेस दे दे हमें, तब हमें देखिए वन का अल्फा ज्यादा है, इट मींस वन अधिक बढ़ना चाहेगा टेम्परेचर बढ़ने के कारण, जबकि टू कंपैरेटिवली कम बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन कुछ इंटरमीडिएट आएगी, यानी वन पर जो स्ट्रेस लगेंगे वो लगेंगे कंप्रेसिव और टू पर जो स्ट्रेस लगेंगे वो लगेंगे टेंसाइल। जैसे कि देखिए, हम बचपन में गेम खेला करते थे चेन सिस्टम का, यदि एक तेज दौड़ने वाला है, दो लोग दौड़ रहे हैं हाथ पकड़कर, तेज दौड़ने वाला है धीरे दौड़ने वाले को आगे की ओर खींचेगा यानी उसकी स्पीड बढ़ाएगा, और धीरे दौड़ने वाला तेज दौड़ने वाले को पीछे की ओर खींचेगा यानी उसकी स्पीड घटाएगा। तो वही सिस्टम है, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वन अधिक बढ़ता है टू कम बढ़ता है, क्योंकि अल्फा वन बड़ा है और अल्फा टू छोटा है, लेकिन कंडीशन कुछ इंटरमीडिएट आएगी क्योंकि कंपोजिट बार है आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे केस में वन कंप्रेस होगा और टू टेंसाइल स्ट्रेस में आएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट मटेरियल में जो स्ट्रेस आएगा, फर्स्ट मटेरियल में जो स्ट्रेस आएगा वो आ जाएगा कंप्रेसिव, और सेकंड में जो स्ट्रेस आएगा वो आ जाएगा टेंसाइल।
देखिए इसके लिए अपन एक ट्रिक भी देख सकते हैं, लेकिन ट्रिक बाद में देखेंगे, पहले अपन नीचे वाले को भी देख लेते हैं। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं मैं, तब क्या केस आएगा हमारे पास? फर्स्ट मटेरियल और सेकंड मटेरियल में देखिए टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वन अधिक घटेगा, टू कम, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन वन का अधिक है टू से, तो वन अधिक घटेगा। जिस तरीके से वन अधिक बढ़ा था वैसे ही वन अधिक घटेगा। ये बिल्कुल हम जैसे हम डायलॉग मारते हैं कि जितना तेजी से ऊपर गया उतना तेजी से नीचे आएगा, बिल्कुल वैसे ही है ये, जो अधिक बढ़ेगा वो अधिक कम भी होगा। कंडीशन कुछ इंटरमीडिएट आएगी, टू पर ऐसे केस में कंप्रेसिव आएगा और वन पर ऐसे केस में टेंसाइल आएगा। तो वन पर आ गया टेंसाइल और टू पर आ गया कंप्रेसिव। इसे हम बहुत अच्छे सिस्टम से समझ सकते हैं। देखिए टेम्परेचर राइज को हम अपवार्ड मार्क कर देते हैं ऐसे, टेम्परेचर राइज को हम अपवार्ड मार्क कर देते हैं ऐसे, और टेम्परेचर फॉल को, या हम ये कहें कि टेम्परेचर डिक्रीज को या कूल्ड को हम डाउनवर्ड मार्क कर रहे हैं। अब अल्फा वन लार्जर है और अल्फा टू स्मॉलर है, अल्फा वन लार्जर है और अल्फा टू स्मॉलर है, तो लार्जर वाले को अपवार्ड मार्क किया और जो लोअर वाला है उसको डाउनवर्ड मार्क किया। फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मैंने अपवार्ड मार्क किया है, लार्जर अल्फा को अपवार्ड मार्क किया है और स्मॉलर अल्फा को डाउनवर्ड मार्क किया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जोड़ी मैच हो गई तो नहीं होगी टेंशन, इसका मतलब वन में कंप्रेशन है, और जोड़ी मैच नहीं हुई हो गई टेंशन। सिमिलरली यहां पर जोड़ी मैच नहीं हुई हो गई टेंशन, वन में देखिए यहां टेंशन है और टू में यहां पर कंप्रेशन है क्योंकि जोड़ी मैच हो गई है। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं, इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। मैंने आपको बताया एक कंपोजिट बार है वन और टू, ये बढ़ेंगे तो एक साथ बढ़ेंगे, घटेंगे तो एक साथ घटेंगे, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है, इनका अल्फा अलग अलग है। यदि हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो वन अधिक बढ़ना चाहता है कंपैरेटिवली टू से, लेकिन कंडीशन कुछ इंटरमीडिएट आएगी। जैसे मैंने बताया हाथ पकड़ के दौड़ रहे हैं तो वन अधिक तेजी से दौड़ रहा है, टू धीरे दौड़ रहा है, तो लेकिन वन उसको क्या करेगा, टू को आगे की ओर खींचेगा, उसकी स्पीड बढ़ाएगा। सिमिलरली टू उसको पीछे की ओर खींचेगा, उसकी स्पीड घटाएगा। तो उसी तरीके से अपन ने कहा कि कंप्रेशन और टेंशन, क्योंकि ये इसको घटा रहा है और ये इसको बढ़ा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर अल्फा अधिक है तो टेम्परेचर घटाने पर वन अधिक घटेगा, टू कम घटेगा, पर कंडीशन कुछ इंटरमीडिएट, इट मींस टू पर कंप्रेशन वन पर टेंशन। ये तो था टेक्निकल पॉइंट। अब अपन इसको कैसे कंसेप्ट के अलावा किस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं? तो टेम्परेचर राइज को मैंने अपवर्ड मार्क किया है और टेम्परेचर डिक्रीज को मैंने डाउनवर्ड मार्क किया है। उसके अलावा मैंने बड़े अल्फा जो है, लार्जर अल्फा है, उसको अपवर्ड मार्क किया है और स्मॉलर अल्फा है उसको डाउनवर्ड मार्क किया है। और मैंने देखिए यहां पर कहा कि जोड़ी मैच हो गई तो नहीं होगी टेंशन, किसमें नहीं होगी, वन में, तो क्या होगी, कंप्रेशन होगी। टू में जोड़ी मैच नहीं हुई तो हो गई टेंशन, सिमिलरली वन में जोड़ी मैच नहीं हुई हो गई टेंशन, टू में जोड़ी मैच हो गई तो नहीं होगी टेंशन यानी कंप्रेशन। तो इस तरीके से अपन इसकी ट्रिक कर सकते हैं। और आपको सीक्वेंस पता है, आपको एल्यूमिनियम का बड़ा है अल्फा, ब्रास ब्रॉन्ज से, फिर कॉपर, फिर स्टील। कहने का मतलब फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्रम बताया था, आप ए बी सी एस याद रखें, एल्यूमिनियम का लार्जर है, फिर ब्रास ब्रॉन्ज का है, फिर कॉपर का है और फिर स्टील का है। इससे आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको हाथों हाथ करा देता हूं, इसके तीन अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग बुक्स में भी आपको मिलेंगे, उसके अलावा भी मैं नेक्स्ट लेक्चर्स क्वेश्चंस के लूंगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं जो कि आपकी स्क्रीन पे भी आपको राइट साइड में दिख जाएगा। एक क्वेश्चन है 1994 और 2008 इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ, ए कंपाउंड बार कंसिस्टिंग ऑफ मेटल ए एंड बी इज टाइटली सिक्योर्ड एट द एंड विद ईच अदर, द कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड विल बी। हिंदी में भी मैं बोल रहा हूँ एक बार इसको कंबाइंड लैंग्वेज में, एक कंपाउंड छड़ को जो कि दो पदार्थों ए व बी से मिलकर बनी है जो कि अंत पर आपस में बंधी है, ए का तापीय प्रसारण गुणांक बी के तापीय प्रसारण गुणांक से अधिक है, जब तापमान बढ़ाया जाता है तब उत्पन्न प्रतिबल होगा,
तो देखिए यहां पर बिल्कुल वही वन और टू केस बन रहा है, तो वन में ऐसे केस में आपको दिख रहा है कंप्रेशन और टू को ऐसे केस में दिख रहा है टेंशन। तो आप बोलेंगे कंप्रेशन इन मटेरियल ए एंड टेंशन इन मटेरियल बी, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा यहां पे ऑप्शन सी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बार्स वन ऑफ मेटल ए एंड द अदर ऑफ मेटल बी ऑफ सेम लेंथ आर टाइटली सिक्योर्ड बिटवीन टू अनयील्डिंग वॉल्स, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बार ए इज मोर देन दैट ऑफ बी व्हेन टेम्परेचर राइजेस द स्ट्रेस इंड्यूस्ड आर, दो छड़ जो कि दो धातुओं की बनी हुई है, धातु ए व धातु बी समान लंबाई के हैं, दो ना खिसकने वाली दीवार के मध्य टाइटली सिक्योर्ड है, छड़ ए का तापीय प्रसारण गुणांक छड़ बी से अधिक है, यदि तापमान बढ़ाया जाए तब उत्पन्न प्रतिबल होगा। तो देखिए आपको मैंने अभी अभी बताया था इससे पहले वाला केस कि अगर दो अनयील्डेड वॉल है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो दोनों को ही नहीं बढ़ने देगा, तो दोनों में ही क्या आ जाएगी कंप्रेशन आ जाएगी, तो जवाब आएगा कंप्रेशन इन बोथ मटेरियल। अगला थर्ड क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, इफ ए कंपोजिट बार ऑफ कॉपर एंड स्टील इज हीटेड देन द कॉपर वॉल बार विल बी अंडर, एक कंपोजिट छड़ जो कि कॉपर व इस्पात की बनी है इसको गर्म किया जाता है तब कॉपर में होगा। तो देखिए कॉपर और स्टील की बात करें तो कॉपर का अल्फा बड़ा है यानी वन की तरह भी कॉपर है और टू की तरह क्या है स्टील है, ठीक है, क्योंकि वन का आपका बड़ा है अल्फा, कॉपर का आपका बड़ा है अल्फा, ये अप्रॉक्स 17 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं बात करूं स्टील की तो 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो कॉपर का अल्फा बड़ा है और आपका हीटेड या टेम्परेचर इंक्रीज करने का केस है और आपस में वो सिक्योर्ड हैं, ठीक है, तब ऐसा ही केस जनरेट होगा और हमसे कॉपर में पूछा है तो जवाब आएगा कंप्रेशन, जो कि आपका ऑप्शन है बी। तो फ्रेंड्स ये एक लेक्चर और था, तो यहाँ तक अपने दो लेक्चर हुए हैं जिनमें मैंने कुछ बेसिक्स और कंपोजिट बार डिस्कस किया है, दो लेक्चर और इनमें मैं डिस्कस करूँगा जिसमें मैं क्वेश्चंस और इसके पैटर्न की बात करूँगा। थैंक यू।